हारिस, ये शादी तुमने अपनी मर्जी और अपनी पसंद से की थी। अब जो भी है ना तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि तुम्हें निभानी है ये शादी। तुम समझदार हो बेटा, लेकिन उस लड़की में अभी बहुत बचपना है। बचपना नहीं है उसमें अम्मी, खुद सर और घमंडी है। शहर की बात तो छोड़ ही दीजिए ना, वो तो उसके सामने एक मुलाजमा है, मगर मैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। सिफार है मेरी हैसियत उसके आगे। इंसल्ट कर रही थी मेरी, इल्जामात लगा रही थी मुझ पे, जबकि मेरा कोई कसूर ही नहीं था। तो गई। बीवी है ना मेरी, है ना बीवी। शोहर थका आ रहा घर आया है, उसकी दिलजोई करने के बजाय उल्टे सीधे ताने और इल्जामात लगा रही थी मुझ पर। और मुझे नहीं पता हमदान के साथ क्या हुआ, उसका इल्जाम भी मुझे ही दे रही थी वो। देखो हारिस, अब जो कुछ भी है ना, इस सब को बर्दाश्त करना होगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अब कोई ऐसी वैसी बात हुई ना, तो लोग बातें करेंगे कि तुम में कोई नुक्स था, तुम में कोई बुराई थी। तो प्लीज बेटा समझौता करो। एक मिनट, मैं लोगों की वजह से अपनी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दूं, आप ये कहना चाह रही? अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी, मैं बात करूंगी उससे। इनफैक्ट मैं उसके फादर से भी बात करूंगी। लेकिन प्लीज बेटा तुम ऐसा करो, फारूक साहब को फोन करो और उनसे पूछो, खैरियत मालूम करो ना हमदान की। आई एम सॉरी अम्मी, मैं किसी को कोई फोन नहीं करूंगा। और ये हमदान ना मरता है तो मरे भाड़ में जाए।